मंगलौर के लिब्बर रहेड़ी ग्राम निवासी शुभम लोहा ने लखनऊ में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जूडो में सिल्वर पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस मौके पर मंगलौर के लिब्बर रहेड़ी गांव सहित क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं गांव पहुंचते ही शुभम लोहान के आवास पर बधाई देने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद विजेता शुभम लोहान ने कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो कि युवाओं को नशे से दूर रखता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, जिससे क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया जा सके। मंगलौर से संवाददाता राहुल सैनी की रिपोर्ट। मेरा जो गांव है पूरा ही गांव ही खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सभी पूरे ग्रामवासियों का सहयोग है। ये मेडल, क्योंकि मेडल अकेला नहीं आता, उसके पीछे बहुत से साथ होते हैं, तो मेरा जो गांव है वो हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ है। और मैं अपना एक जो है अपने कोच और अपने गांव को देना चाहूंगा कि ये जो खेल है ऐसा माध्यम है जिससे हम युवाओं को नशे से दूर रख सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है जो सुबह शाम दोनों टाइम अच्छी मेहनत करेगा वो नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं। और ये जो सिल्वर मेडल है ये मैंने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो लखनऊ में आयोजित हुई थी वो 19 तारीख को मैंने उसमें ये प्राप्त किया है।